गायनेकोमेस्टिया, मेल बूब्स, चेस्ट फैट, पफी निपल्स, ये सभी एक ही समस्या के डिफरेंट एडजेक्टिव्स हैं। और ये यंग एडल्ट मेल्स, मिडिल एजेड 35-60 ईयर्स और अब तो सीनियर सिटीजन्स में कभी ना कभी किसी भी ग्रेड में प्रेजेंट कर सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष खरे, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन कलोसा कॉस्मेटिक्स, और आज हम गायनेकोमेस्टिया सर्जरी और उसकी रिकवरी के बारे में बात करेंगे। हमारे पास ऑलमोस्ट डेली गायनेकोमेस्टिया के पेशेंट्स आते हैं और कुछ तो काफ़ी समय से परेशान रहते हैं और हर तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज कर चुके होते हैं, पर अपने मेल बूब्स या गायनेकोमेस्टिया में कोई चेंज नहीं देख पाते, और ये एक मेजर कारण है गायनेकोमेस्टिया डिप्रेशन का। जैसे कि मैंने हमेशा बताया है, गायनेकोमेस्टिया एक सर्जिकल प्रॉब्लम है, इसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही एक्सरसाइज या डाइट रेस्ट्रिक्शंस आपके गायनेकोमेस्टिया को कम कर सकता है। गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी एक डे केयर प्रोसीजर है, यानी आपको मॉर्निंग में एडमिट करते हैं और इवनिंग में आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी एक कॉम्बिनेशन सर्जरी है लाइपोसक्शन एंड ग्लैंडुलर एक्सिजन का, और 90% केसेस में लाइपोसक्शन के साथ ग्लैंडुलर एक्सिजन करना पड़ता है एक अच्छे एस्थेटिक रिजल्ट के लिए। यूजुअली गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में अराउंड 1.5-2 आवर्स आराम से लगते हैं। इसके पहले हम इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। इन्फिल्ट्रेशन एक फ्लूइड का होता है जो कि गायनेकोमेस्टिया पॉकेट में किया जाता है। यह इन्फिल्ट्रेशन बहुत सुपरफिशियल एंड डीप प्लेन्स में करते हैं, और इन्फिल्ट्रेशन के बाद हम वेजर एनर्जी का यूज़ करते हैं। वेजर एक अल्ट्रासाउंड एनर्जी है जो फैट को इक्वली मेल्ट कर देती है। फर्दर वेजर का एक और बेनिफिट है कि वो जो आपको मसल है उससे आपके स्किन को चिपकाने में या एक बेटर कॉन्टूर देने में सहायक होती है। इन्फिल्ट्रेशन के बाद हम अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स तक वेट करते हैं, जिससे कि फैट सॉफ्टन आउट हो जाता है या मुलायम हो जाता है, और फिर लाइपोसक्शन करते हैं बहुत सुपरफिशियल एंड डीप प्लेन्स में। एक बार जब लाइपोसक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम एसेस करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू को। अगर ग्लैंडुलर टिश्यू सॉफ्ट और फ्राइबल है तो इसमें हमें कोई सिग्निफिकेंट बल्ज नहीं फील कर पाते निप्पल एरियो कॉम्प्लेक्स पे, और अगर ग्लैंडुलर टिश्यू फाइब्रस और हार्ड है तो हमें उसे एक्साइज करना पड़ता है। ग्लैंडुलर टिश्यू एक्साइज करने के लिए डिपेंड करते हैं कि ग्लैंड की कंसिस्टेंसी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसकी लोकेशन कितनी है। आफ्टर एसेसिंग द कंसिस्टेंसी, क्वांटिटी एंड लोकेशन ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू, हम डिसाइड करते हैं कि इंसर्शन क्या होना चाहिए ग्लैंड्स को एक्साइज करने का। या तो वो निप्पल के थ्रू होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं ट्रांस निप्पल अप्रोच, या फिर पेरी एलियर अप्रोच और थ्रू द साइड ऑफ द चेस्ट। एक अच्छे एस्थेटिक रिजल्ट के लिए गायनेकोमेस्टिया पॉकेट से फैट पूरी तरह से सक्शन होना चाहिए और ग्लैंड फुली एक्साइज होना चाहिए। इसका कोई रेमनेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फर्दर रिजल्ट्स में कॉम्प्रोमाइज करता है। अगर सर्जरी लोकल एनेस्थीजिया में की गई है तो यूजुअली 1.5-1 आवर पोस्ट सर्जरी हम आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं, पर अगर सर्जरी जनरल एनेस्थीजिया में की गई है तो 4-6 आवर्स रिकवरी में स्टे करने के बाद हम आपको उसी दिन इवनिंग में डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिकवरी की। Day 1, पहले दिन डिस्चार्ज करने के बाद हम आपको एक कंप्रेशन बैंडेज और कंप्रेशन ड्रेसिंग देते हैं। इसके बाद आपको एक एंटीबायोटिक और पेन किलर का कोर्स लेना होता है जो आपको एटलीस्ट 5 डेज तक फॉलो करना होता है। आप यूजुअली उस दिन सॉफ्ट डाइट लेते हैं और अपने हाथ को ऊपर नहीं उठाते। यूजुअली आप अवॉइड करना है कि आपको अपना हाथ ऊपर उठाना है। नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं तथा ड्यूरिंग स्लीप आपको थोड़ा प्रॉपर रहना है ताकि
जो भी स्वेलिंग है और रिकवरी है वो जल्दी हो जाए। 24 आवर्स के बाद हम ड्रेसिंग चेंज करते हैं और आपको एक प्रेशर गारमेंट देते हैं, और जिस दिन हम आपकी ड्रेसिंग चेंज करते हैं आप अपना रिजल्ट अप्रिशिएट कर सकते हैं। डे 10-12 में हम, अगर हमने कोई सूचर दिया है तो हम उसको निकालते हैं, और डे 15 में एक नया टाइट प्रेशर गारमेंट आपको देते हैं जो कि आपको फर्दर कंप्रेशन दे सके और एक बेटर कॉन्टूर और शेप मिल सकता है। डे 18-21 में आप एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेशर गारमेंट आपको 3-4 हफ्ते पोस्ट सर्जरी पहनना पड़ता है, डिपेंड करता है ये आपके किस ग्रेड का गायनेकोमेस्टिया है। अंत में कहना चाहूँगा कि गायनेकोमेस्टिया एक बहुत ही कॉमन समस्या है पुरुषों में, तथा इससे हताश या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज एक सामान्य सी सर्जरी है जो आपको एक बेटर चेस्ट शेप दे सकती है, और लाइपोसक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गायनेकोमेस्टिया सर्जरी, सो यू शुड चूज अ प्लास्टिक सर्जन ऑलवेज फॉर योर गायनेकोमेस्टिया सर्जरी। थैंक यू।